Assalamualaikum guys, welcome back to my new vlog. It is day 12. आज 12 दिन हो गए हमको घर से निकले हुए और आप जैसे कि देख चुके हो यार कौन कौन सी जगह हमने एक्सप्लोर की है. ठीक है, श्रीनगर हो गया है और आपका जम्मू हो गया है. श्रीनगर में क्या क्या चीज़ें थी और जम्मू में क्या क्या चीज़ें थी और अभी हम जा रहे हैं आरू वैली की तरफ. ठीक है, नाउ वी आर इन पहलगाम, दैट्स वाई. तो अभी हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम जाएंगे आरू वैली क्योंकि हमें तीन चार लोकेशन थी, बेताब वैली थी और एक दो जगह और चंद्रवाड़ी थी, एक दो जगह और थी जहाँ हमें जाना था. बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है और आप हमें परमिशन नहीं मिली है जाने की क्योंकि यात्रा चल रही है, दैट्स वाई वी डिडंट गेट द परमिशन. और ड्रोन तो बिल्कुल ही उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पर. बट मैंने अभी बात की है ऑफिसर्स वगैरह से तो उन्होंने बोला कि आप 4 बजे आना, तो मेरी 4 बजे अपॉइंटमेंट है ऑफिसर के साथ. अगर वो मेरे को परमिशन दे देते हैं दैन वेल एंड गुड, हम जाएंगे वहाँ पे बेताब वैली वगैरह ये चंद्रवाड़ी जहाँ भी हमें अलाउ करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधे भाई जो जो नई नई लोकेशन होंगी वहाँ पर अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है तब. ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं आरू वैली, आपको मिलेंगे वहाँ पर जाके. और ये ब्लाइंड कर्व्स है क्योंकि ब्लाइंड कर्व लिखा होता है कि हमें कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से, हमें हॉर्न यूज़ कर रहे हैं. हॉर्न यूज़ करके भाई अगर आओ ना तो बहुत ज़्यादा सेफली आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा सेफली. ठीक है, और एक बार इधर के व्यूज चेक कर लो, ये देखो इधर से गाड़ियाँ उतरती हैं और धड़ाधड़ हमें गियर चेंज करने पड़ते हैं, बस फर्स्ट एंड सेकेंड गियर यूज़ होता है. एक बार व्यू चेक कर लो गाइस, कितना खतरनाक व्यू है. ऐसा व्यू आपने कल वाले व्लॉग में भी देखा होगा मेरे, कितना प्योर सोल मतलब वो है ना व्यू जो होता है, नेचर इज डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, जीरा आपको हम मिलते हैं आरू वैली. तो गाइस एक बार यहाँ से नीचे का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग भाई. इतना ठंडा पानी होता है ना, कल मैंने वजू किया था, इतना ठंडा पानी भाई, आप फ्रिज में रख के भी इतना ठंडा पानी नहीं कर पाओगे, वो बर्फ जम जाएगी लेकिन फिर भी इतना ठंडा नहीं होगा जितना ठंडा ये पानी था, सीरियसली. तो वी आर अबाउट टू रीच इन 4 मिनट्स, दिखा रहा है यहाँ पे मैप में, तो हम सीधे पहुँचने वाले आरू वैली, आपको सीधे मिलेंगे. तो गाइज हम आ चुके हैं आरू वैली, जैसे कि आप पूरा वेदर देख सकते हैं यहाँ का. और भाई आना शफीक भाई से मिलना, रीजनेबल प्राइस, ठीक है, सबसे अलग प्राइस मिलेंगे इनके. और ये गाड़ी खड़ी कर दी हमने यहाँ पे और सीधे चल रहे हैं ऊपर की तरफ. कितने किलोमीटर है यहाँ से ऊपर? यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर आना जाना. 5 किलोमीटर भाई, 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना. तो अब सीधे चलते हैं ऊपर की तरफ. तो गाइज ये देखो अयान बैठा है ब्राउन घोड़े पे, घोड़े का दम निकाल देगा अयान. और इधर हम बैठे हैं व्हाइट घोड़े पे और सीधे देखो भाई सामने की तरफ. भाई लेके चला है, भाई पता ना कश्मीर में क्या बोल रहा है, कश्मीर में समझेगा भाई, घोड़ा भी खतरनाक घोड़ा. तो गाइज एक बार चेक करो यार घोड़े किस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं यार. और ये सब लोग भाई ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, अपने बस की तो थी नहीं भाई ऊपर चढ़ना, अपना सफ़र एक दिन का नहीं है भाई, बहुत लंबा सफ़र है, तो वी हैव टू कंज्यूम आवर एनर्जी एज वेल. तो भाई ये देखो नज़ारे अलग ही हैं भाई. तो गाइस एक बार चेक करो यार, हम यहाँ पे हैं और गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है, ये नज़ारा चेक करो एक बार यार, इतना खतरनाक नज़ारा है, एक नंबर एकदम. गाइस हम आ चुके हैं आरू वैली और यहाँ पे अपना घोड़ा खड़े हैं और यहाँ पे आपको देनी पड़ती है एंट्री फीस जो कि है एडल्ट के लिए 20 रुपये और चिल्ड्रन के लिए है 10 रुपये. तो हम सीधे चलते हैं ऊपर, यहाँ से रास्ता बना हुआ है ऊपर, हम देखते हैं यार ऊपर चलते क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है यार है क्या. ठीक है, तो सीधे चलते हैं ऊपर. बी एफ बी नाइस टू पार, ठीक है, लिखा हुआ है भाई, सीधे चलते हैं ऊपर. गाइस क्या शानदार है यार, ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वही है कि अभी यात्रा चल रही है तो लोग बाग इतने हैं नहीं, हमने ये पूरा कवर्ड होता है. तो ये नीचे की तरफ चलेंगे वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यार हम कितने अमेजिंग व्यू में हैं यहाँ पे यार, कितना प्यारा लग रहा है. बट जब ठंड पड़ती है, आप एक बार वेदर देखो यार, अलग ही वेदर बन गया है यहाँ पे, अल्लाह कितनी खूबसूरत है ये नज़ारे. तो गाइस हम
थोड़ा आप चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि आरू वैली वी हैव कम्प्लीटेड, बिकॉज यहाँ पे यही चीज़ है, आप बैठो आके वहाँ जाओ, ऊपर मैगी पॉइंट है, मैगी पॉइंट पे जाके आप मैगी खा सकते हैं, और मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है यार। आप आओ विजिट करो, आपको तब समझ में आएगा। मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, बट यू हैव टू विजिट। सो गाइज, ये वो जगह है, जब आरू वैली के लिए आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो ये नीचे ही आपको पड़ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से पूरी नदी बह रही है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ से कितना शानदार व्यू है। तो एक बार ये चेक करो गाइज। सो गाइज, ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल नीचे ही है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग की थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठते हैं आके। तो ये बिल्कुल इसके बराबर में होटल अल्पाइन आरू, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आके विजिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक बैठी हुई है, देखो आप ऊपर से ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। तो सीधे हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पे गाइस, और ये हो गया अपना आरू वैली कंप्लीट। तो गाइस, अनफॉर्चुनेटली हमें परमिशन नहीं मिल पाई, क्योंकि यात्रा चल रही है, तो जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस यार उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। और लेकिन अब आओ ना तो यार बेताब वैली और ये एक दो जगह और है यहाँ पे, आप ज़रूर विजिट करना। आरू वैली ऑलरेडी आप देख चुके हैं कितना प्यारा है, कितना ऑसम वेदर है वहाँ का, आप आओ। और मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है वहाँ पे, कि अगर आपको नीचे बैठना है तो नीचे बैठो, और अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाओ, तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और हम कल करेंगे नई जगह एक्सप्लोर, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि भाई एक चीज़ याद रखना, आप कभी भी ना जब यात्रा चल रही हो मत आना, प्लीज़ 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 मत आना, आप पागल हो जाओगे, सीरियसली पागल हो जाओगे आप। यहाँ पे जो मतलब आर्मी का इतना बड़ा रोल नहीं है, जो पुलिस है ना भाई वो जान ही नहीं देती। टाइमिंग बनी हुई है, वो टाइमिंग भी होती है ना, तो उसके बावजूद भी आपको जाने नहीं देते। तो भाई बहुत बुरा हिसाब किताब है, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, कुछ जेन्युइन रीज़न दिखाना पड़ेगा क्यों जाना है। लेकिन जेन्युइन रीज़न ऐसा नहीं कि आपके बस खाली बता दो कि जेन्युइन रीज़न है, मेडिकल इमरजेंसी, वो पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरे कुछ पेपर्स थे जो मैंने दिखाए, उस वजह से मैं अब श्रीनगर आ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन भाई बहुत हैक्टिक था, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। बस एक ही जगह कंप्लीट कर पाया हूँ पहलगाम में, जो कि भाई सब ने देखी होगी आरू वैली, और जो बहुत अच्छी जगह थी यार वो मैंने मिस कर दी है, सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा ये कवर करूँ। लेकिन लद्दाख जाने से पहले मैं सब चीज़ें अपने सारे परमिशन, दो दिन पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो मैं सब पहले ही लेकर रखूँ और एक एक चीज़ एक्सप्लोर करूँगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। और ये यात्रा की वजह से भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बहुत गलत हो रही है, ठीक है। तो भाई आप प्लीज़ जब यात्रा चल रही हो मत आना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो आई होप गाइस व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।